नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, बिल्कुल यंग, एक आप कह सकते हैं बिल्कुल यंग लड़का, और वो बोला कि सर मेरे को जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता हूं, मेरा मन हमेशा उदास रहता है, मैं दिल से हंसना चाहता हूं पर मैं हंस नहीं पा रहा, और मुझे डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो खुशी का हार्मोन है, जो मेरा सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे शरीर में मेरे दिमाग के अंदर खुशी के हार्मोन की जो है कमी है, और उस खुशी के हार्मोन की कमी के कारण मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो खुशी का हार्मोन है, जैसा उन्होंने कहा सेरोटोनिन, जो एक आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो है कहीं डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आपको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मूड है लो फील हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे कि कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप इन सबको ठीक कर सकते हैं बिना कोई साइड इफेक्ट्स के। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं जो आपको जिंदगी भर लेनी पड़े, ऐसी कोई मेडिसिन जो हैबिट फॉर्मिंग हो, और होम्योपैथी से इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझें कि ये क्या है। देखिए, अगर हम बात करें डिप्रेशन की, मानसिक अवसाद की बात, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक डिसऑर्डर है, ये एक मूड डिसऑर्डर है, और अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें टाइमिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि एक बार जो है, जैसा आप समझ सकते हैं कि कई बार अपना मूड अच्छा होता है तो कई बार ज्यादा अच्छा नहीं होता, तो कई बार हो सकता है कुछ लाइफ में ऐसा आ गया कि लंबे समय तक जो है आपके हमेशा कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हो और आप लो फील करने लगते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि ये टाइमिंग है, इस डिप्रेशन को आप ऐसा नहीं सोचेंगे भी लाइफ का हिस्सा बन गया। थोड़ा सा अगर हम इसके कारण की समझें कि ऐसा क्यों होता है, अगर हम कारण की बात करें तो कोई एक कारण नहीं है, हर आदमी की लाइफ अलग है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, उसका सोशल लाइफ अलग है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, तो नेचुरली हर आदमी की लाइफ में कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी रूटीन में कुछ जो कारण होते हैं, अगर उनकी बात करें तो ऐसा देखने को मिलता है कि इसके अंदर फैमिली एटमॉस्फेयर का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी अगर पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है तो उसके कारण डिप्रेशन आप फील कर सकते हैं। कई बार अगर आपके वर्किंग प्लेस का या स्कूल का या कॉलेज का जो है कोई ऐसी घटना हो गई, कोई ऐसा इंसिडेंस हो गया, तो उसके कारण हो सकता है। अगर आपका जो है वर्किंग प्लेस है या कोई एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपके कोई करियर की प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके कारण हो सकता है। कई बार ऐसी कोई मानसिक आपको आघात मिल गया, कोई दुखद घटना हो गई, या आप कह सकते हैं कि आपका कई बार कैसा मेरा दिल टूट गया, तो कोई ऐसी चीज होती है उसके कारण भी हो सकता है। कई बार हो सकता है कोई सैड न्यूज हो, अचानक आपको कोई सैड न्यूज मिल जाए, जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज हो, जो कि अच्छी नहीं है, तो उसके कारण ऐसा हो सकता है। कई बार जो है हो सकता है कि नियर एंड डियर में किसी को, हम लोगों को डेथ हो जाए कोई परिवार के अंदर ही, जिसको हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। कुछ समय पहले मेरी क्लिनिक पे एक जो है बिल्कुल यंग एक बच्ची आई, एक लड़की है आप कह सकते हैं, उसका जो एक पेट है वो था, और उस पेट की डेथ से ही उसको इतना ज्यादा मतलब जो है वो एक शौक सा लग गया कि एक तरह से वो डिप्रेशन के स्टेज में चलेगी, तो इससे भी हो सकता है। कई बार मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर वो लंबे समय तक बीमार रह रहा है, तो उसके कारण भी जो है धीरे धीरे उसके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और ऐसा हो सकता है। कई बार बिल्कुल जो यंग लोग हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कि अगर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मैरिड लाइफ में जो है कुछ अच्छा नहीं है, पार्टनर से कई तरह के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उसके कारण भी जो है काफी लोगों के अंदर जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। काफी लोग ऐसा होते हैं जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, कई तरह के नशे की जो है अगर उनको लत लग जाती है, तो उसके कारण भी उन्हें डिप्रेशन में देखने को मिलता है। काफी लोग ऐसे हैं जिनमें जीवन में अकेलापन है, क्यों, काफी लोग अपने करियर के कारण अलग रहते हैं, कई लोग स्टडीज के रहते हैं, कई लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, तो उसके कारण जो अकेलापन होता है, या कई बार जो है अपनी लव लाइफ के अंदर भी जो है अगर उनको कोई तरह का धोखा मिल जाए, तो उसके कारण भी जो है काफी लोगों में डिप्रेशन देखने को मिलता है। और कई बार ये भी देखा गया कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, यानी अगर कोई है उनके पेरेंट्स को, उनके मम्मी पापा वगैरह के अंदर ऐसी डिप्रेशन की प्रॉब्लम रही है, एंजाइटी की प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो देखने को जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं, अनुवांशिक भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें इसके लक्षण की, सिम्टम्स की। देखिए, सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपका मन ही उदास रहेगा, आपके मन के अंदर मतलब जो है आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप मान लीजिए घर पर हैं, अपने काम पर हैं, या जहां कहीं भी है, तो आपका वहां मन नहीं लग रहा है, आपको जो है कुछ भी अच्छा नहीं आ रहा, आपको फ्रेंड्स के साथ रहना भी है और उनके साथ आपको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आप कहेंगे आपका मन हमेशा उदास रहेगा, आपके मन में कोई खुशी की फीलिंग नहीं आएगी, आपको जो है अगर हंसने की बात है तो भी आप जो है वहां भी अच्छी तरह से दिल खोल के हंस नहीं पाएंगे। तो इस तरह से जब आप फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, कहीं भी हैं, तो आप अपने आप में जो एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है,
आप हर टाइम लो फील कर रहे हैं, आपका मन उदास रह रहा है, आपका मन भी जो है कहीं लग नहीं रहा है, तो ये जो है डिप्रेशन का सिम्टम्स है। ऐसे लोगों का आप कह सकते हैं मन हमेशा विचलित रहता है, एक बेचैनी सी ऐसे लोगों को हमेशा बनी रहती है, ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी लो होता है। अगर वो मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनको अच्छा नहीं फील होगा, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को अच्छी तरह से रख नहीं पाएंगे। अगर उनको किसी से मिलने भी जाना है, किसी से मीटिंग भी है, कोई इंटरव्यू देने भी जाना है या और कहीं भी जाना है, और कहीं आप उनको पता है कि कुछ काफी लोग होंगे और वहां मुझे जाना है, तो वो लोग वहां भी कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे और उस टाइम भी जो है उनके अंदर एक डिप्रेशन कैसी फीलिंग आने लगेगी। ऐसे लोगों के अंदर आप समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव थॉट्स हैं या आप कहें कि इस तरह के जो है सकारात्मक विचार नहीं आएंगे, और नेगेटिव थॉट्स या आप कहेंगे नकारात्मक विचार है हर टाइम आएंगे। वो हर पहलू के अंदर आप देखेंगे कि पॉजिटिव नहीं सोच के हर समय जो नेगेटिव थॉट्स है वो उनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा हेवी रहेंगे, जिसके कारण ऐसे लोगों में घबराहट बनी रहेगी, बेचैनी बनी रहेगी, उनका दिमाग शांत नहीं रहेगा, दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ थॉट्स हैं वो बने रहेंगे, और ये ऐसे विचार हैं जो नेगेटिव थॉट्स होंगे, जिसके कारण जो हमेशा हर समय आप कहेंगे कि हमेशा परेशान रहेंगे। ऐसे लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, यानी जब वो बिस्तर में चले भी जाएंगे तो पहली बात तो जल्दी सी नींद नहीं आएगी, अगर नींद भी आ गई तो बार बार वो नींद में जगेंगे, नींद में उनको कई बार जो है कई तरह के सपने भी देखने को मिलेंगे, और जब उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी तो जब वो सुबह उठेंगे तो अपने आप को फ्रेश नहीं फील करेंगे, सुबह उठेंगे तो अपने आप को सुस्त फील करेंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, स्टेमिना नहीं होगा और माइंड में भी कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। जब नींद एक अच्छी नहीं होगी तो जब ये सुबह उठेंगे तो इनके सिर में जो है भारीपन होगा, आप कहेंगे कि एक सिर में जो है हेडेक सा रहेगा, फ्रेश नहीं फील करेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे आंखें उसमें भी भारीपन फील होगा, और ऐसी नींद के कारण अगला पूरा दिन जो है उनका अच्छा नहीं जाएगा, दिन में शरीर में थकावट रहेगी, सुस्ती रहेगी, और उनका मन करेगा मैं वापस सो जाऊं, और एक अच्छी नींद जो है वो उनको नहीं आएगी। ऐसे लोगों के डाइट के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफी लोग होते हैं जिनका डिप्रेशन के कारण या ऐसा कोई मानसिक प्रॉब्लम चल रही है तो उसके अंदर उनकी डाइट कम हो जाती है, जब डाइट कम हो जाएगी तो नेचुरली बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाएगी, शरीर में थकावट, सुस्ती और इस तरह की बनी रहेगी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डाइट जो है वो ज्यादा खाना शुरू कर दे, तो ऐसे लोगों के अंदर जो ओबेसिटी या मोटापा भी बढ़ने लगता है। काफी लोग जो है कई बार एक बड़ी गलती करते हैं कि जब वो ऐसा डिप्रेशन के मोड में होते हैं तो दूसरे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता के खुद को जो है और अकेला करने लगते हैं, आइसोलेट करने लगते हैं, और कई तरह के ड्रग्स, नशे, अल्कोहल वगैरह में जाने लगते हैं, जो उसके आगे चल के और भी दूसरे अपने को उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से लाइफ में डे टू डे लाइफ हम देखते हैं कि एक दिन होता है, दिन के बाद फिर रात आती है, और रात के बाद फिर एक सुबह हो जाती है, यानी जो है उजाला है, उजाला के बाद अंधेरा आता है रात में, लेकिन उस अंधेरे के बाद में वापस अगले दिन एक नई सुबह होती है, तो हमारे जीवन के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा होता है, हमेशा एक जैसा टाइम नहीं होता। आप कह सकते हैं कि कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें बहुत अच्छी खुशी मिलती है, और कई बार हमारी लाइफ में हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हर चीज हमारे लाइफ में कंट्रोल में नहीं होती, कई चीजें कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, या कई बार कुछ सडन लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसके कारण जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा ऐसा सेड पार्ट आता है जो कि आपके लिए थोड़ा दुखदाई हो सकता है, जो आपके लिए थोड़ा आपको परेशानी करने वाला आपके लिए टाइम पीरियड हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम पीरियड हमेशा चलने वाला है। जैसा हमने बात की कि हर रात के बाद एक सुबह होती है, तो लाइफ में अगर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपके लिए अभी आप परेशान है तो निश्चिंत रहिए, ये टाइमिंग है, आने वाले समय के अंदर डेफिनेटली चीजें वापस सारा सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ अच्छा टाइम आपको आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन चीजों को आप थोड़ा सा जो है आपको समझने की जरूरत है, इसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दें, सिंपल सा इतना सा समझे कि एक लाइफ का फेज है, ये कुछ समय है लाइफ का जो हो सकता है आपको थोड़ा सा तंग कर रहा है, लेकिन आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का। अगर आपको लग रहा है आप कोई भी तरह से परेशान है, आप अपनी फैमिली के साथ बात करें, उनके साथ आप जाके टाइम बिताएं, अपने दिल की बात आप दिल खोल के अपने फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ शेयर करें। हर आदमी के पास कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनसे आप 100% दिल खोल के बात कर सकते हैं। आप जाके अपनी प्रॉब्लम्स या जो भी आपके दिल के अंदर बेचैनी है, जो चीजें आपको परेशान कर रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करें, उसको आप खुद तक नहीं रखें। आप जब ऐसी प्रॉब्लम्स को, अपनी तकलीफ को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, आप देखेंगे तुरंत एक हल्कापन महसूस करेंगे, दिमाग में आप अच्छा फील करेंगे, डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली वाले जो फैमिली मेंबर्स है, वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के कुछ आइडियाज या कुछ सॉल्यूशंस भी देंगे और उसमें जरूर आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ में अगर हम बात करें मेडिसिंस की, तो जैसा मैंने बताया कि कल जो आए उन्होंने बोला सर मेरी जो बॉडी है उसके अंदर जो सीरोटोनिन है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो खुशी का हार्मोन है, वो नहीं बन रहा है। तो ऐसे के अंदर जो है अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिंस लेते हैं तो कोई भी तरह का डिप्रेशन है या आप कह सकते हैं कि मानसिक अवसाद से अगर आप परेशान है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिंस आती है
जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान आपकी बॉडी को नहीं करती, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती, जिसकी डोज जो है जैसा रूटीन में अगर आप कोई दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो समय के साथ वो मेडिसिन बढ़ती चली जाती है और आप लोगों को कई बार लाइफ लॉन्ग भी लेने पड़ती है। होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप इसको प्रॉपर अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, अगर आप प्रॉपर उनसे डिस्कस करके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत अच्छी मेडिसिन आती है और बहुत अच्छा आपको फायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मेडिसिन की अक्सर बात होती है तो मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट मेडिसिन वो होती है जो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उनके गाइडेंस में लेते हैं। फिर भी आपके नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन जो इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो इसके अंदर इग्नेसिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इग्नेसिया 200 पोटेंसी में यूज की जानी चाहिए और इसको वीक में सिर्फ एक बार ही लिया जाना चाहिए। मान लीजिए आपने इस संडे को इसकी एक डोज ले ली तो आप इस नेक्स्ट संडे को इसको रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर एक मेडिसिन जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ओरमेट को भी 200 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं और इसको भी वीक में एक बार ही एक सिंगल डोज ही बहुत होती है। मान लीजिए इसने कि आपने वेडनेसडे को एक डोज लिया तो वापस नेक्स्ट वेडनेसडे को इसकी एक डोज रिपीट की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर कालीफोस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और कालीफोस को 6x पोटेंसी में यूज किया जा सकता है। इसकी 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार जो है डायरेक्टली आप टंग पे रख के माउथ डिजोल्विंग टेबलेट आती है उनको चूसा जा सकता है। और नेक्स्ट अगर हम एक मेडिसिन बात करें तो इसके अंदर मदर टिंचर जो आता है पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पैसिफ्लोरा को आप मदर टिंचर को यूज कर सकते हैं और इसको आप जो है अक्सर जब नाइट में जब सोने जा रहे होते हैं तो उस टाइम यूज करें। मान लीजिए आप 10 बजे सोएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं इसकी एक डोज जो है आपने 10 बजे ले ली, जब आप सोने जा रहे हैं उसे 15-20 मिनट पहले ले लीजिए। उसको लेने के तरीके क्या है, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर को ऑलमोस्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं इसका थोड़ा 30-35 ड्रॉप्स लेना चाहिए मदर टिंचर का। एक कप के अंदर लगभग 30-35 ड्रॉप्स आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर डाल लीजिए, फिर उसमें हल्का सा जो है गुनगुना पानी आप डाल लें और फिर उसको सिप बाय सिप घूंट घूंट करके पी लें। तो एक डोज आपने सोने से 10-15 मिनट पहले ली, इसी तरह से एक डोज उसे एक घंटा और पहले लीजिए। मान लीजिए एक डोज आपने 9 बजे लिया रात को तो दूसरी डोज आपको 10 बजे लेनी, यानी रात में एक घंटे के गैप से आपको इसकी 2 डोज लेनी होती है। इसी तरह से आप देखेंगे एक साउंड स्लीप होगी, अच्छी आपको नींद आएगी और सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपने आप को रिफ्रेश फील करेंगे। दोस्तों, ये हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन नहीं है या दूसरी जैसी मेडिसिन, नींद की गोली आती है उस तरह की मेडिसिन नहीं है। ये ओवरऑल एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्रेन को, आपके सारे नर्वस सिस्टम को कूल करती है, पॉजिटिव थॉट्स लाती है, और आप ओवरऑल जब मेडिसिन लेंगे अपने डॉक्टर के गाइडेंस में से देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा है कि जो लोग डिप्रेशन के लिए, मानसिक अवसाद के लिए, या जिनको लगता है कि बॉडी में जो है सेरोटोनिन जो हार्मोन है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो खुशी का हार्मोन है, कम बन रहा है, तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। बस जाइए अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और उनके गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।